उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया। राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। पेपर लीक हुआ तो परीक्षा को रद्द करने का फैसला योगी सरकार ने लिया। ये परीक्षा दोबारा से 6 महीने बाद आयोजित की जाएगी। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में चूक और FIR दर्ज कराने में लापरवाही के चलते DG भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया। इसके बाद DG विजिलेंस राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पेपर रद्द होने के बाद भर्ती बोर्ड की आंतरिक कमेटी रिपोर्ट जमा नहीं कर सकी थी, न ही मामले में FIR दर्ज की गई थी। बताते चले, पेपर लीक होने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने कहा था ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी। इसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी ही कार्रवाई करते हुए लोगों को चौंका दिया है। राहुल गांधी ने CM योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक के मामले में 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों का सपना टूट गया। इससे न सिर्फ उनके भविष्य निर्माण के कीमती साल बर्बाद हो गए, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ा। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया, निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जब मैंने छात्रों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि पेपर लीक की 3 मुख्य वजह, बिका हुआ सरकारी तंत्र, निजी प्रिंटिंग प्रेस, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसकी वजह से बार बार ऐसी चीजें दोहराई जाती हैं जिससे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा। सभी से मिले सुझावों को मिलाकर कांग्रेस युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस और फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही। बहुत जल्द हम आपके सामने अपना विजन रखेंगे। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। युवाओं का भविष्य इंडिया की प्राथमिकता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर तंज कसा था पेपर लीक को लेकर। 17 और 18 फरवरी को राज्य में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद ऐसी सूचना सामने आई कि पेपर लीक हो गया, जिससे कुछ छात्रों ने बवाल भी काटा। पहले तो पुलिस ने पेपर लीक की जानकारी को अफवाह करार दिया। हालांकि अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था। बताते चले, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड जल्द ही किसी भी समय UP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। इस बार छात्रों को सहूलियत दी जाएगी। बता दें, मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक परीक्षा अगस्त 2024 तक आयोजित की जा सकती है। इसकी जानकारी upbpb.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी, जहां पर छात्र जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का एक और मौका उन्हें वहां से मिल सकेगा।